हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BMDGM क्लासेज में। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, एकदम ज़बरदस्त। तो मैं आपका दोस्त गौरव जी एम आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ 8 जून 2023 की करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ पिछली वीडियो आप सभी ने देख ली होगी और सभी क्वेश्चनों को भी याद कर लिया होगा। तो जिन भाइयों को ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे अधिक से अधिक अपने भाई बहनों में शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके। और जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी बजा दें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास पहुँचे। तो प्यारे फ्रेंड्स, जो भाई इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहता है तो जल्दी टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, वहाँ से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप सभी PDF एक साथ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिएगा देखते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। हाल ही में CIDCO के MD के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो किसने किया है? अनिल दिग्गीकर ने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस देश ने पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है? तो किस देश ने? इजराइल ने। ठीक है फ्रेंड्स, इजराइल देश की राजधानी क्या है? यरूशलम। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, देखिएगा क्या दिया हुआ है। हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? 7 जून को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में IQAir द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के टॉप 10 सबसे प्रदूषित शहरों में कौन शीर्ष पर है? तो कौन शीर्ष पर है? लाहौर। ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस देश ने एक दशक में अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर्ज की है? तो किस देश ने? बांग्लादेश ने। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, देखिएगा क्या दिया हुआ है। हाल ही में पंप पनबिजली परियोजनाओं की स्थापना के लिए NHPC ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? महाराष्ट्र। ठीक है फ्रेंड्स, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मंझगांव डॉक ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो किस देश के साथ? जर्मनी के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किसने अपना नया उपन्यास अजय 2 योगी आदित्यनाथ लॉन्च किया है? तो किसने? शांतनु गुप्ता ने। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पुलिस, UPSI एंड अदर UP स्टेट के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है UP की स्टेट लेवल परीक्षाओं के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में कौन सा राज्य अपशिष्ट संग्रहण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान शुरू करेगा? तो कौन सा राज्य? हरियाणा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किसने पहले भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता की है? तो किसने? SJ ने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, देखिएगा क्या दिया हुआ है। प्यारे फ्रेंड्स, हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ है? तो किस देश के लिए? श्रीलंका के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस बैंक ने अपने ATM पर UPI से नगद निकासी की सुविधा शुरू की है? तो ये कारनामा किस बैंक ने करके दिखाया? प्यारे फ्रेंड्स, ये दिखाया बैंक ऑफ बड़ौदा ने। ठीक है, जिसके बैंक के साथ ही 2 बैंक को और विलय हुआ था, आपको पता है फ्रेंड्स, विजया बैंक और देना बैंक, कभी विलय इसी में ही हुआ था। ठीक है, अब उनका नाम भी बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम से जाने जाते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किस देश ने 2030 तक प्रमुख फर्मों में महिलाओं को कम से कम 30% निदेशक बनाने का लक्ष्य रखा है? तो किस देश ने? जापान ने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में विश्व बैंक ने FY24 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो कितने प्रतिशत? 6.3%। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितनी कृषि ऋण समितियों को जन औषधि स्टोर खोलने की अनुमति दी है? तो कितने? 2000। ठीक है, चलिएगा फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में नालंदा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? अभय के ने। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नहीं चुना गया है? तो नॉन परमानेंट सीट में भी हमारे देश भारत को अब की बार नहीं चुना गया है, जिसका कार्यकाल 2 वर्ष का है। आपको पता है परमानेंट मेंबर तो अस्थाई जो सदस्य होते हैं उनका तो अनलिमिटेड चल ही रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन नॉन परमानेंट जो सदस्य चुना जाता है उसके 2 साल के लिए मिलती है उसको। ठीक है, एक जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2025 तक, और अब की बार भारत को सदस्यता नहीं मिली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश ने फतेह नाम से अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल प्रस्तुत किया है? तो किसने? ईरान ने। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का दक्षिण एशिया में अक्षेत्रीय
कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो कहाँ पर, नई दिल्ली में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की वीडियो का लास्ट एंड फर्स्ट क्वेश्चन प्यारे फ्रेंड्स, देखिएगा क्या दिया हुआ है। हाल ही में पीएम मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सी योजना शुरू की है, तो कौन सी योजना शुरू की है, अमृत धरोहर व मिष्टी योजना। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जिन भाइयों को वीडियो अच्छी लगे तो इसे देख सकते अपने भाइयों बहनों में शेयर करें, और जिन भाई ने अभी तक हमारा इंस्टाग्राम चैनल फॉलो नहीं किया जल्दी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी आपके पेज अपलोड मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप इनको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, और जो पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं टेलीग्राम ग्रुप से जल्दी ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, आप सभी के लिए बता दूँ, जिन भाइयों को वीकली करंट अफेयर पढ़नी है, तो फ्रेंड्स BMDGM 2.0 के नाम से न्यू चैनल है फ्रेंड्स, वहाँ से आप जा करके अपनी पूरे हफ्ते की पढ़ सकते हैं, वहाँ पर वीडियो अपलोड मिल जाएगी आपको। ठीक है, पूरे हफ्ते में जो हमने कराया है वो सब एक ही वीडियो में कवर कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी वीडियो देखने नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो बाय बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कम वीडियो कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, तो बाय बाय टाटा।